मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाल चांद लाएगा तबाही काल। जी हाँ, साल की शुरुआत के साथ लगातार ग्रहण की शुरुआत भी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि इस साल में यानी कि 2019 में कुल मिलाकर 5 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसमें से कि एक ग्रहण जनवरी के महीने में ही 6 तारीख को पड़ा था और जो कि सूर्य ग्रहण था। लेकिन अब 21 जनवरी को इतनी ही जल्दी दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है जो कि चंद्र ग्रहण रहेगा। ये चंद्र ग्रहण हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीचों बीच लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2 जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और कल ही निकोबा में भी 6.6 रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके आए हैं। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या ये चंद्र ग्रहण जो है वाकई में तबाही लाने वाला है, क्योंकि इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 1000 साल बाद पड़ा है, तो कहीं ना कहीं पे क्या योग बन रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस चंद्र ग्रहण से। साथ ही में हम बात करेंगे बाकी ग्रहणों के बारे में भी, और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। जी हाँ, प्रतीक भट्ट जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रतीक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही में भूषण कौशल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भूषण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो दोनों खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपके आपके आपको जानकारी देंगे खास। तो भूषण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण पड़ा था सबसे पहले साल की शुरुआत में, इसके बाद अब 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर, क्योंकि चंद्रमा एक है तो असर हर जगह पड़ने वाला है, तो सबसे पहले आप इस जानकारी को दीजिए कि क्या इतने सालों बाद ये चंद्र 1000 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा चंद्र ग्रहण पड़ा है, तो क्या खास है इसमें? जी बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये अनोखा चंद्र ग्रहण है और ये अनोखा खगोलीय घटना भी है। बहुत ही दिलचस्प ये खगोलीय घटना होगी, क्योंकि 1001 साल बाद ऐसा संयोग आया है। ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और वो पड़ रही है, लेकिन कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये खगरास है, आंशिक ग्रहण है जी। और इसका नाम जो है वेस्टर्न कंट्री में, चूंकि ये चंद्रमा का कारक है, चंद्र पे ग्रहण लग रहा है और जो ये अनोखा संयोग बन रहा है, चंद्रमा पश्चिम दिशा का कारक है, इसीलिए पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में इसका नाम दिया गया है खूनी भेड़िया चंद्र ग्रहण, वुल्फ एक्लिप्स कहा गया है इसे। और इस ये जो है चूँकि रेड मून है इसीलिए खूनी कहा गया है। तो जब खूनी रेड मून होगा तो क्या कुछ घटनाएं नहीं घटेंगी? प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी, और जो कि घट रही हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए, रोज जो है चंद्रमा जल का कारक है, तो बर्फबारी हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई कह रहे हैं कि हाई टाइड्स आएंगी, भूकंप तो आ ही रहा है, धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। जब भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बैलेंस गड़बड़ होता है, वो ये ग्रहण के दौरान ही होता है, और 2 ग्रहण जब एक महीने में पड़ जाते हैं तो उस बीच में प्राकृतिक घटनाएं कुछ घटती हैं जो कि घट रही हैं। इसीलिए इसका नाम जो है खूनी भेड़िया चंद्र ग्रहण कहा गया, जो 1001 साल बाद आया है, और बहुत ही अद्भुत संयोग के साथ आया है, क्योंकि चंद्रमा अपनी कर्क राशि में सोमवार का ग्रहण है। चंद्रमा का कारक जो है वह चंद्रमा जो है सोमवार का कारक माना गया है। चंद्र जो है सोमवार का दिन के हिसाब से पूर्णिमा पड़ गई है, ये भी एक अनोखा बन रहा है संयोग। तो इस तरह से संयोग के साथ आया है, इसलिए कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लेके आएगा। जी बिल्कुल, और परिवर्तन तो दिखना शुरू भी हो गया है, क्योंकि लगातार, जैसे कि आपने कहा भूषण जी, कि बर्फबारी भी लगातार चल रही है, साथ ही में एक के बाद एक जो भूकंप के झटके हैं वो भी महसूस किए जा रहे हैं। प्रतीक भट्ट जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है कर्क राशि में पड़ रहा है, और कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि मानी जाती है, इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है, तो उन जातकों के लिए जिनका लग्न कर्क लग्न है, या फिर जिनकी राशि कर्क राशि है, या फिर जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, क्या उनके ऊपर खास असर पड़ेगा इसमें? देखिए, इस चंद्र ग्रहण का वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका रीज़न समझ लीजिए। जैसा कि आपने पहले ही बताया, 1000 साल के बाद ये हो रहा है, और संयोग समझने की कोशिश करिए, दिन सोमवार चंद्रमा का दिन जी, पुष्य नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, उसी के साथ साथ
तारीख 20 की रात से शुरू होकर 21 तक जाएगा, ये पूर्ण होगा 21 की तारीख को। तो 20 का अंक जो है 2, वो भी चंद्र का अंक है, तो खास तौर से कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र इन पे खासा तौर पे इम्पैक्ट देखा जाएगा। और वैसे भी ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिनों तक रहेगा। कहते हैं इस तरह के चंद्र ग्रहण का असर 108 दिन तक रहता है, और ये वैसे भी काफ़ी ग्लोबल बड़े पैमाने में देखा जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका कवर कर रहा है, इवन देन यूरोप भी कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज है, तो इसका प्रभाव रहेगा उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा रहेगा जहाँ ये देखा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ पृथ्वी पर अगर इम्पैक्ट है ग्रहण का, तो आप कहीं भी हों वो बात अलग है, सूतक के नियम नहीं लगेंगे, लेकिन ग्रहण का इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। वो बात अलग है कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर नेपाल में कोई दुर्घटना होती है तो भारतवासी प्रभावित होते हैं कहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारत पर डायरेक्ट नहीं होता है। तो वही एक बात हो गई, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट भी होगा, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र इन सब पर होगा, लेकिन हाँ भारत में रहने वालों लोगों के पर ये बहुत कम मात्रा में दिखाई देगा। और वैसे भी पूर्ण ग्रहण का जो असर है वो धीरे धीरे आता है, तो 21 तारीख से अगले 108 दिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, और इसका इम्पैक्ट काफ़ी मात्रा में दिखेगा, खासतौर से उन कंट्रीज़ में जहाँ पर पूरी तरह से दिख रहा है।